हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम जे क्लैक 07 में। तो दोस्तों, इस पौधे को अभी हम साइड में ला के इसके जो लीव्स आप देख रहे हो ना, बिल्कुल टच हो रहे हैं, उनको हम तोड़ देंगे। ये आप देख सकते हो जंगली घास भी उग रही है इसमें। ये जंगली घास की कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मैं हटा ही दूंगा, लेकिन बट ये ऐसे पत्ते हो रहे हैं, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। और इसके ना बिल्कुल साइड से थोड़ी सी डंडी छोड़नी बहुत ज़रूरी है। ऐसे करके देखो, जैसे मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, इसको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो आते हैं ना, वो देखो बीच में आते हैं। ये देखो बीच की कली होती है ना, उसमें आते हैं। तो इसके बीच में कभी नहीं तोड़ना बीच का पत्ता, इसकी साइड ही तोड़नी है बस। जो ज़्यादा बड़े लीव्स हो गए उनको हम सबको हटा दें। और आप देख सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से मैं ये लीव्स क्यों हटाता हूँ, इसलिए हटाता हूँ ताकि साइड ब्रांचेस भी बढ़ जाए और पौधे की ग्रोथ जो है अच्छी रहेगी, ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे अगर आप ऐसा करोगे। जैसे मैं पत्ते तोड़ के साइड में, फेंकना भी नहीं है पत्तों को, पत्ते फेंक दिए तो ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हो ना, ये ऐसे ही आए हैं। ज़्यादा कितने सारे आ रहे हैं आप देख सकते हो, तो ये फ्लावर्स ऐसे ही आए हैं। और एक पौधा और अभी जिसका फ्लावर्स आज ही खिला है, ये वाला देखो, इसके भी मैंने साइड ब्रांचेस के पत्ते तोड़ दिए थे। ये देखो, ये पत्ते तोड़ने से जो है इसका फ्लावर्स जो है जल्दी खिल चुका है। और ये पत्ते तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और देखो, और भी फ्लावर्स आ रहे हैं अंदर, ऐसा नहीं है। तो गुड़हल के पौधे में भी ऐसे ही पत्ते आए हैं। और ये आप देख सकते हो कचरी, ये कचरी भी ऐसी उगाई है मैंने, क्योंकि इसके ही बड़े बड़े लीव्स तोड़ दिए थे। ये देखो जैसे ये ख़राब हो रहा है, पीला पड़ गया है, लेकिन फेंकना किसी भी पत्ते को नहीं है। देखो ये देखो, पत्ते जो है मट्टी में रखे रखे ब्राउन हो गए हैं, तो इसी से जो है खाद बन जाएगी। ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि खाद तो डालनी होती है, लेकिन बट इन्हीं से खाद बन जाएगी, तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी पत्ता वेस्ट नहीं होता, फेंकना नहीं है। ये देखो, इसमें भी छेद हो रहे हैं, इसे भी हम हटा रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखना एम जे क्लैक 07 का। इसके पत्ते हमने देखो तोड़ लिए हैं बहुत, और ये जो लाल लाल हो गए हैं, इनको भी हम हटा ही रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप ये काम करोगे तो आपका पौधा भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। और इसको उसी जगह रख देते हैं जहाँ पे रखा हुआ था। बाकी आप देख सकते हो पौधा बहुत प्यारा लग रहा है, पिंक, कितने प्यारे फ्लावर्स आ रहे हैं। पास से भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे फ्लावर्स बहुत अच्छे हैं, सब बड़े बड़े साइज़ के होते जा रहे हैं पर डे। सबकी ग्रोथ अच्छे से बढ़ रही है। और तुलसी आप देख सकते हो, ये वाली तुलसी है, बहुत प्यारी लगती है। देखो कितनी हरी भरी है तुलसी, तो मेरी सारी अच्छी है। ये वाली भी देखो, ये बहुत प्यारी तुलसी है, इसमें खुशबू बहुत आती है। ये तुलसी बहुत अच्छी उगती है, बहुत जल्दी ग्रो करती है। अगर आपके पास किसी से बीज ले सकते हो श्यामा तुलसी के, तो ले लो, और घर में ही उग जाएगी। बीजों से किसी से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो कितना गुच्छा भर चुका है, बहुत प्यारी लग रही है देखने में। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मेरी प्याज कितनी प्यारी तरीके से उग रही है, कितनी बड़ी हो रही है। इसमें भी 6-7 प्याज तो निकाल ही लूँगा, जैसे खेती करते हैं वैसे ही निकलेगी। और ये देखो गुड़हल में कितने प्यारे फ्लावर्स आने वाले हैं, अभी आपको दिखाऊंगा, अपडेट दूंगा। जैसे ही फ्लावर्स खिल जाएगा वैसे ही आपको अपडेट मिलेगी, वीडियो पूरी प्रॉपर तरीके से। और खाद वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, जो पत्ते तोड़ते हो उन्हें कोई यूज़ करे, उन्हीं से खाद बन जाएगी। बस क्या है, फर्टिलाइज़र वगैरह बना लें घर में ही। ये जो प्याज व्याज के छिलके होते हैं, केले के छिलके, टमाटर के, जो अनयूज टमाटर होता है ख़राब हो जाता है, उसे किसी कुछ चीज़ को फेंकना नहीं है, उसे पानी में डाल के रख दें, 2-3 दिन फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा। और हर हफ्ते फर्टिलाइज़र पौधों में डालोगे, पौधे की ग्रोथ जो है बहुत तेज़ी में बढ़ेगी। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पौधे कितने अच्छे तरीके से जल्दी बढ़ते हैं, तो ये सब काम मैं बहुत करता हूँ। और ये देखो, ये पौधा भी अच्छे से ग्रो हो रहा है, और इसमें देखो ये वाले में भी पिंक फ्लावर्स आने वाला है, आप देख सकते हो। और ये मेरे मिर्ची के पौधे में नए नए लीव्स आपको दिख रहे होंगे, हरे हरे लाइट ग्रीन चमक रहे हैं, तो सब नए आ रहे हैं। और अब नए नए फ्लावर्स आएंगे, क्योंकि इसको तोड़ने में बहुत बेनिफिट हुआ मेरा, अब पत्ते जो है श्रिंक नहीं हो रहे हैं ज़्यादा। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो देखें एम जे क्लैक 07, और कमेंट करके जरूर बताएं मेरा छोटा सा स्मॉल टाइप्स गार्डन कैसा लगा, फ्लावर्स कैसे लगे, और कचरी कैसी लगी, और ये जो जितने भी फ्लावर्स आ रहे हैं कैसे लग रहे हैं, और ये वाला पौधा कैसा लगा, इसको भी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।